हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ से पार्ट टू शुरू होता है जू का। और यहाँ पे हम लोगों ने छोटी छोटी फिश देख ली थी। नक्श को ये फिश देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसको इस पानी में नहाना भी था, तो वो तो वहाँ पे बैठ गया था। और चलो अब हम लोग यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते हैं हमारा। और देखो हम लोग यहाँ पे मंकी देखने के लिए पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत ही सारे मंकी है और बेबी मंकी भी है, आप लोग भी देख रहे होंगे। और अलग अलग कंट्री के मंकी है यहाँ पे, तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और स्पेशली बच्चों को तो मंकी देखना बहुत ही अच्छा लगता है, तो नक्श तो बहुत ही एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे बहुत ही सारे मंकी है देखो। Oh, baby monkey. Monkey baby. Baby monkey. और देखो यहाँ पे मंकी का नाम भी दिया गया है और वो किस कंट्री से लाए गए हैं, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप लोग भी देख लीजिए। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मंकी को लटकना पसंद है रस्सी से, तो यहाँ पे सारी जगह पे रस्सी बांधी गई है ताकि मंकी को भी अच्छा लगे और वो भी खेल कूद सके। तो ये सब फैसिलिटीज़ जू में। और फ्रेंड्स, इस जू में बहुत ही सारी शॉप थी जिसमें बच्चों के लिए टॉयज, टी शर्ट और कैप मिल रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे गाने बजा रहे थे और सब लोग देख के एंजॉय कर रहे थे। और बहुत सारी ऐसी भी शॉप थी, उसमें आइसक्रीम, चॉकलेट वो सब मिलता था। और ख़ास करके बहुत सारे सैंडविच जोन भी थे। हाँ, थोड़ा अंदर महंगा होता है लेकिन अच्छा भी है। हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियो देख के, क्योंकि इस जू में ना अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन और बहुत सारे कंट्री के यहाँ पे जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो अलग अलग कंट्री के हैं, तो मैंने आप सबको दिखाया। आई होप आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं स्काई फेरी में और आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। थैंक यू। तो ये है स्काई फेरी, तो हम लोग इसमें जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हमने इसका स्काई फेरी के लिए कोई अलग से टिकट नहीं ली थी, वो भी हमारी टिकट में ही इंक्लूड था, इसलिए हम लोग तो अभी स्काई फेरी में सफ़र कर रहे हैं। Thank you.
देखा भी नहीं। ओ ये बड़ा वाला क्या है, पता नहीं क्या है अंदर। ओ अंदर ही। और फ्रेंड्स यहाँ पे टाइगर सो रहा है, लेकिन लवनक्ष को ना कैट लग रही है, तो वो बार बार ये बोल रहा था कि मिनी मिनी आई मीन मिनी यानी कि कैट, तो बोल रहा है कि मिनी स्लीपिंग नाउ। Good. और यहाँ पे नक्ष को आइसक्रीम खाना था, तो उसको ना अभी मैंने कैंडी लेकर दी थी और वो बड़े अच्छे से कैंडी एंजॉय कर रहा था। और देखो यहाँ पे बड़े बड़े स्टैचू है एलिफेंट के और जगुआर के, और बहुत सारे लोग यानी कि सब जो भी लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आ रहे हैं वो सब यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो हमने भी क्लिक करा ली। और देखो नक्ष तो यहाँ पे एलिफेंट के साथ बहुत सारी मस्ती कर रहा है अभी। Let's go, Nakshu. ये पता नहीं क्या है, ये What's that? Wow, what's that, Nishu? और यहाँ पे हमने अलग अलग बर्ड्स देखे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे और ब्यूटीफुल कलर थे सबके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्पेशली नक्ष को ना स्पेरो पेरोट क्रो वो सब देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे बहुत सारे थे तो वो बहुत ही एंजॉय कर रहा था, और क्यूट क्यूट सब दिख रहे थे और उनके कलर भी बहुत ही अच्छे है। और देखो यहाँ पे क्रोकोडाइल यानी कि मगर सो रही है, दो है, और वो कहाँ से लाए हैं और किस कंट्री के हैं वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, और उसका नाम भी है यहाँ पे, तो आप लोग देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। एकदम स्टील है। और यहाँ पे मैं और नक्ष दोनों एलिफेंट के बेबी के साथ हम लोग फोटो क्लिक करा रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था और कुछ अलग ही फीलिंग्स होती है वहाँ पे। और देखो यहाँ पे रियल में एलिफेंट भी आपको दिख रहा होगा, वो बड़ा वाला है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है एलिफेंट। कैन पकड़ दें,
और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस स्काई फेरी में। और देखो आसमान से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा था सब कुछ। और ये जू तो पूरा ब्यूटीफुल लग रहा था, और बड़े बड़े ट्री थे तो और भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी देख लीजिए। बहुत सारे ट्री आपको नज़र आएंगे, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जैसे लग रहा था कि हम लोग स्काई में ही उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था स्काई फेरी में। और इसमें बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है। एरोप्लेन और देखो फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा का पूरा ग्रीनरी वाला माहौल दिख रहा है। इस जू में इसलिए अच्छा लगता है कि इतने सारे ट्री है कि आपको कुछ अलग ही महसूस होगा, और पूरा ग्रीनरी ही दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखो यहाँ से प्लेन जा रहा है, वो भी बहुत ही क्यूट लग रहा था। और नक्श को तो प्लेन देखना बहुत ही पसंद है। और फ्रेंड्स, ये जगह भी जू में ही है, और ये स्पेशली बच्चों के लिए है। और यहाँ पे सब बच्चे नहा रहे थे और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे शावर देख के। और नक्श को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वो पानी से थोड़ा डर रहा था क्योंकि वो पी जाएगा, इसी डर से वो नजदीक नहीं जा रहा था। लेकिन वो भी पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। हमारा आज का खाना पाव भाजी, कबाब एंड ये है मिनी थाली। सो ये हम अभी हम लेकर आए हैं और अभी हम खाएंगे। आपको भी अभी खाना है तब आ जाए, क्योंकि अभी हम लोग डिनर करने के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि अभी 8:15 बजने आए हैं। तो डिनर कर लेते हैं और बाद में मिलते हैं। बाय बाय।